हेलो यो वासा, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ एक्सडी। प्रणोसो गाइस, कैसे हो आप सभी? एंड वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। एंड वीडियो बहुत टाइम बाद आ रही है, मतलब लगभग 2 हफ्ता से ऊपर हो चुका है एंड वीडियो नहीं आई है। सो आई एम सो सॉरी। बट आज अब देखो सकते हो, ये जो सूट है जो मैंने पहना है वो नया सूट है। ये वो वाला सूट है जो स्पाइडरमैन ने नो वे होम में पहना था। एंड मूवी मतलब जिसमें मिस्टीरियो था उसी में पहना था इसमें। एंड आज की जो वीडियो है वो हम लोग इसका पार्ट 4 है। एंड पार्ट अगर तुमने फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर नहीं देखा है तो जाओ चैनल पे देख लो। सेकंड की लिंक में इसमें, थर्ड की लिंक में डिस्क्रिप्शन में। एंड आई बटन पे क्लिक करोगे या फिर मोर फ्रॉम एचडी प्रणव ऑप्शन में जाके क्लिक करोगे। सो वेट अ मिनट, इधर क्राइम हो रहा है तो इसकी अभी गाइस पीटी पीटी करनी पड़ेगी हमें। फटाफट इम्पैक्ट वेव से इन्हें ठोकते हैं। एक बंदा तो उड़ के गया गाइस। एंड भाई ये रेड रेड हो चुका है, रेड रेड हो चुका है, मतलब ये है कि रुक जाना, वेट अ मिनट। हाँ भाई इसे भाई मारनी पड़ेगी। भाई मेरे स्पाइडर ड्रोन्स ने भाई हमें बचा लिया। हो गया गाइस, खत्म। नहीं गाइस पावर है, छोटे मोटे क्राइम्स का गाइस हम लोग देखते नहीं है, पुलिस वालों के लिए छोड़ दिया है। भाई स्पाइडरमैन वाले से पुलिस वालों का ही काम कर रहा था। सेकंड एपिसोड अगर तुमने नहीं देखा है तुम्हें मालूम होगा। सो वे भाई फटाफट चलते हैं, हमें आज इन्वेस्ट आज हमें इन्वेस्टिगेट करना है ऑक्शन हाउस को। सो फटाफट चलते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड ये वाला सूट वही है जो स्पाइडरमैन ने अपने लास्ट मूवी में पहना था, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ, नहीं, कौन सी मूवी थी वो, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट मूवी में पहना था जिसमें मिस्टीरियो था। सो उस वाले में पहना था, फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। भाई ऐसी ऐसी टाइटल रखा है ना भाई, कदम देख रहा हूँ नेक्स्ट मूवी होगी ना उसका नाम होगा स्पाइडरमैन कभी नहीं जा पाएगा होम। ये जा ही नहीं पा रहा हूँ, जा ही नहीं सकता हूँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बेचारा है, घर ही नहीं जा पा रहा स्पाइडरमैन अपना। सो अभी हम लोग का ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुके हैं। एंड अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। हमने स्नीकिंग किया है, ठीक है, हम लोग छत पे से कूद के आए। ओ भाई एक मिनट, ये गाइस आई थिंक डीमन है भाई साहब। एंड ये कौन है, आई थिंक मैनेजर होगी ऑक्शन हाउस की। भाई इतनी ड्रेस वेल ड्रेस है तो मैनेजर ही होगी ऑक्शन हाउस की। एंड भाई साहब इनके हाथ में गाइस गन है। एंड यहाँ पे बहुत सारे एंटिक्स रखे हैं। एंड ये लोग इसे बंदूक के दम पे कहीं तो ले जाने वाले हैं। एंड भाई डीमन देख सकते हो, एक ओल्ड डिमोनिक मास्क पहन के रखा है इन्होंने। फटाफट चलते हैं आगे। एंड यूरी का कॉल है, कोई बात, हमें आई थिंक इधर जाना है ना, इधर जाना है आई थिंक मेरे को, तेरे उधर जगह खाली है। सो इधर भी बस चेक कर ले। ओके इधर नहीं जाना है हमें, चलो भाई बैक चलते हैं। रिवर्स गियर था गाइस हम लोग को अभी लगाते हैं एंड चलते हैं फटाफट। सो वेट अ मिनट, हमारा तो सूट पावर भी रेडी है, बैटल फोकस एंड स्पाइडर ड्रोन्स भी अपने पास एक है भाई साहब। एंड गाइस हमें साइलेंटली डिफीट एनिमीज, वेट अ मिनट गाइस। ओके हमें हमें गाइस साइलेंटली सारे एनिमीज को मारना होगा क्योंकि हाँ ओके भाई मेरा ना ऑडियो निकल गया, मतलब हेडफोन का प्लग निकल गया, जैसे रुको पर्स डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमने इसे डिस्ट्रैक्शन किया है एंड देन गाइस हमने इसे पर्स डाउन कर दिया था। सो भाई ये तो तुम्हारे भाई का ट्रिक है भाई साहब। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई वैसे छपरा में गाइस, तो जो रहता है छपरा में उसे तो मालूम ही होगा। सो फटाफट खोलते हैं इसको एंड अंदर चलते हैं। सो यहाँ पे भाई जो फॉग है ना छपरा में वो दोपहर के 2 बजे तक रह रहे हैं। एंड दिल्ली वैसे तो स्कूल बंद हो चुके हैं, मेरी ऑनस्पॉट भाई से बात हुई थी, इसे भी गाइस हम लोग यहाँ पे पर्स डाउन कर दे रहे हैं। तो वेंट डाउन होते हैं हम लोग खुद। एंड भाई साहब कोई दीवार में चिपके क्या भाई, दीवार में चिपकने का ऑप्शन ही नहीं आना, तो हमें स्प्रिंट करना चाहिए दीवार में अभी। एंड हम लोग चिपक चुके हैं। सो गाइस अगर तुम्हें क्या वीडियो लैग लैग दिख रही है क्या, ये बस बताना तो, क्योंकि मैं अभी ये भी मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, मेरा भी गाइस ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था भाई, लास्ट टाइम भी ऑडियो प्रॉब्लम हुआ था और अभी भी ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई बात नहीं। एंड भाई साहब ये रहा बंदा, इसे गाइस हमें सीक्रेटली मार देना चाहिए या फिर मैं इसको इधर बुला के मैं सोच रहा हूँ इसे हम लोग मारते हैं। सो इधर मारता हूँ, आवाज़ ही नहीं गया भाई उसके पास, तो पीछे मारते हैं। ओके उसको शक हुआ कि यहाँ पे क्या है। एंड एक मिनट भाई साहब, उसे मैंने पीछे किया गाइस क्योंकि उसने मैं यहाँ पे लटका हुआ देख लिया था, एक बार और मैं लटकता हूँ एंड वो अभी खड़ा हो रहा है। सो भाई वो हमें लटकते हुए देख ले रहा है गाइस। सो दिस राइफल इज अ टूल, आई एम द वेपन। ओ हो भाई धमका रहा है, ही इज हियर स्टे अलर्ट। भाई उसने कहा भाई कि वो वी विल नॉट लेट एनीवन स्टैंड इन आवर वे, आई लॉस्ट हिम गेट हिम बैक देयर। ओके
सो गाइज उसे शक हो गया था कि हम लोग यहाँ पे है एंड, लेकिन वो कह रहा है वो भाई वो हमें धमका रहा है भाई, ये राइफल ये सिर्फ वेपन है, मतलब राइफल ये सिर्फ, ओ भाई लटकने पे वो हमें देख ले रहा है। तो वो कह रहा है राइफल एक सिर्फ टूल है, वेपन तो हमें हूँ। इसका मैं डायलॉग बोझ नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड के सस्ता सस्ता बच्चन पांडे। रुक जाओ अभी मैं से यहाँ पे से भाई ये देख लेगा यार मेरे को, मेरे को ना जो काम करना पड़ेगा वो छुप के करना पड़ेगा। मैं स्पाइडर ड्रोन्स नहीं भेज सकता क्योंकि मुझे इन्हें सीक्रेटली मारना है, इसे पता चल जाएगा कि स्पाइडर मैन है यहाँ पे, तभी उसके स्पाइडी ड्रोन्स है। एंड मैं इसको इधर बुलाता हूँ, व्हाट द हेल वाज दैट भाई। कुछ नहीं भाई, तेरे तेरी मौत का पैगाम आया है, आना भाई। भाई ये गजब यार, आलसी आदमी है यार। अपने एरिया एरिया मत बांटो यार, जहां कुछ हो रहा है सारे बंदे आओ एक साथ में, सबको मारो खत्म करो। आई एम सर्चिंग द एरिया, कवर मी, स्टैंड बाय, आई हर्ड अ साउंड। ओके आजा आजा, रुक मैं भाई तुम खड़े रहो, एक साउंड आया मैं चेक करके आता हूँ। द हॉर्नर, अरे वेट अ मिनट, रुक जाओ गाइस, मैं ऑडियो वाला एक बार ठीक कर लूँ मैं अपना। एंड ओके डन, चलो चलते हैं। ओके रुक जाओ मैं रिज्यूम कर रहा हूँ एंड फिर हम लोग चलते हैं। बट मेरे ना ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है प्लग की वजह से, मैं प्लग कर लूँ उसके बाद चलो। द हॉनर ऑफ किलिंग, न्यूयॉर्क विल सून अंडरस्टैंड। ओके हमारा मारना इसका ऑनर होगा। अच्छा भाई तेरे ऑनर को भी मारूंगा तेरे को मैं, गेट गेट माई बैग। ओ भाई भाई आना यार, क्या नौटंकी है यार। ही इज हियर, स्टे अलर्ट। भाई सबको पता है मैं यहाँ पे हूँ, तेरे को पता है, तू आ क्यों नहीं रहा भाई। कीप अलर्ट फॉर द स्पाइडर। भाई यार इतना, भाई इतना पतला दुबला बंदा हूँ भाई, नहीं मार पाऊंगा तेरे को, तू आना यार। ये आ ही नहीं रहा, हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। भाई दूसरे बंदे को शक हो गया, इसे शक नहीं हुआ इस गधे को। अब रुक जाओ मैं इसको गैस तगड़े, रुक जाओ मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा उधर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ। ओके ये झुका है अब मैं भाई से, तो भाई धड़ाधड़ इस पर अटैक करने वाला हूँ। एंड इसके बाद हम लोग गैस करेंगे वेब स्ट्राइक। एंड भाई इसे गैस मैं फटाफट मारना होगा इसको। भाई इसके ना ईयर चिप पे हैंड नहीं पहुँचना था। वेट मिनट भाई साहब, भाई बच गए हम लोग। सो उसे गैस शक हो गया था, जो एक और बंदा जो अंदर है उसे गाइस शक हो चुका है। एंड यार मेरा फ्रेंड मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जा रहा है भाई, हटो यार, डेली स्कूल नहीं आ रहा भाई, डेली मेरे को मैसेज कर रहा है। एंड भाई साहब तो हमें यहाँ से साइलेंटली अंदर जाना होगा, बट अंदर कुछ बंदे हैं तो मैं बट डिस्ट्रैक्ट करने की उन्हें कोशिश करता हूँ, बट वो लोग हो ही नहीं रहे डिस्ट्रैक्ट। ओके हम लोग इधर से जा सकते हैं, सिंपल यार सिंपल, क्या कर रहे हो यार। अबे स्पाइडरमैन झूलना नहीं है यार, अंदर चलना है। ओके इधर से हम लोग जा सकते हैं, स्पाइडरमैन होने के फायदे। भाई ये बंदा इसे इधर लेके आ रहा है पता नहीं क्यों। एंड इधर बगल में ऑक्शन हाउस है, इन्वेस्टिगेट ऑक्शन हाउस। ओके हम लोग कर रहे हैं। ओ भाई साहब इसे गए हम लोग इधर देखते हैं इधर क्या है। भाई साहब साइलेंटली डिफीट एनिमीज। ओके हमें इसे साइलेंटली मारना पड़ेगा, तो बस चेक कर लेते हैं डेंजर का है। एंड एनिमीज विद डेंजर आइकन विल कॉज यू टू बी डिटेक्ट। ओके 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 डन। सो हमें कहीं इधर आवाज करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमें ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सेफ है कि नहीं, सेफ नहीं है। अब हमें जो सबसे पहले कोई है, देखो हमने वहाँ पे वेब मारा एंड आवाज कर दिया। अब इसे क्या वो बंदा चला गया, इस बंदे पे किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए हम लोग इसे सेफली यहाँ पे पर्च डाउन कर चुके हैं, अपने स्पाइडर वेब में बांध चुके हैं। वो भी सेफ था इसलिए मैंने उस पर अटैक कर दिया। उसे कोई और देखता तो वो बता देता कि भाई स्पाइडर मैन है इधर। सो ऐसे तो उन्हें सिर्फ शक था कि हो सकता है, बट जब मैं यहाँ पे हूँ ही तो भाई वो लोग हॉस्टेज वगैरह को मार सकते हैं, तो हम लोग वो चाहते नहीं है। एंड यहाँ पे किस किसी का कैमरा रखा हुआ है, गाइस इन्वेस्टिगेट करते हैं कैमरा किसका है। भाई साहब बढ़िया कैमरा है। एंड गाइस पीछे से एक डीमन आ गया। भाई साहब क्या प्रॉब्लम आई तुझे भाई, अब हम इसे साइलेंटली मारना पड़ेगा। ओए गाइस एमजे इज हियर गाइस। भाई साहब बट यहाँ पे एमजी क्या कर रही है यार, वेट ए मिनट। सो ये कॉमिक की स्टोरी लाइन, अगर तुम्हें ना पता हो तो। सो ये एमजे का ही कैमरा है एंड एमजे एक व्लॉगर है, अगर तुम्हें नहीं पता तो। ये पीयूष भाई वाला व्लॉगर नहीं है, ये दूसरा व्लॉगर है। ये लोग पोस्ट लिखते हैं, व्लॉगिंग वगैरह लिखते हैं, जो लोग पढ़ते हैं एंड एक रिपोर्टर की तरह ही समझो। तो एमजे यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए ही आई थी। सो हमने पूछा भाई यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो ये भी हमें एमजे बताने वाली है। सो एमजे यहाँ पे 15 मिनट पहले आई थी। सो हम लोग देखते हैं, सो 15 मिनट्स अर्लियर एंड एमजे यहाँ पे आई थी ऑक्शन हाउस में, देख सकते हो बस अपने बूट्स वगैरह पहन के, जीन्स वगैरह, तगड़ा यार। एंड
अभी हम लोग गाइस इसका नाम है रोज मांस मैंस करके कुछ नाम है। एंड देखो ये मैनेजर है, मैंने तुम्हें बोला था ना MJI और ये मैनेजर है, इससे बात की भाई स्कार्फ को क्या डिजाइन में पहना है। ओ भाई फैशन है इनका, चलो हटाओ। सो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि MJ यहाँ पे आई है, मैनेजर से बात की कि मुझे ये ऑक्शन हाउस घूमना है, इसके फोटोग्राफ्स लेने हैं। सो ये बोला कि नहीं अभी बंद है ऑक्शन हाउस, तो तुम इसे नहीं घूम सकते हो, फोटोग्राफ भी नहीं ले सकते हो। सो इसका है, ये फिश का है, अगर तुम्हें ना पता मैं बता दूँ ये फिश का ऑक्शन हाउस है जिसमें डेविल्स की चीज़ें हैं। तो हमने कहा एक बंदे को कॉल किया है जो मतलब फिश के लेवल का ही है, जो मतलब इसका भी बॉस है, तो मतलब फ्रेंड बोलो बॉस बोलो एक ही बात है इसी, मतलब थोड़ा सा ऐसे पद पे ग्रेटर पद पे जो इसे जानता है और हमें भी जानता है, हमें नहीं जानता उसे बट हम एक एक्टिंग कर रहे हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं। भाई फुद्दू बना दिया ना, फुद्दू बना दिया यार हमने भाई, इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था भाई 55 भाई साहब, पता नहीं किसी नंबर पे तो कॉल किया था बट उस पर एक मिनट, ये तो डेविल्स मास्क है ना, जो सॉरी जो जो डीमंस जो पहनते हैं ये वो मास्क है भाई, मैं डेविल डेविल बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, बट ये डीमंस वाला मास्क है जो डीमंस पहनते हैं अपनी भयानक आईज को छुपाने के लिए, डीमन हाइडिंग सोरोफुल आईज आई थिंक, सोरोफुल का भयानक ये गंदा होता होगा कुछ मतलब, मेरे को नहीं मालूम एक्चुअली, मेरे को ये करना पड़ेगा गूगल करना पड़ेगा। एंड इधर भी गाइस कटाना रखा हुआ है एक, सो देखते हैं ये कैसा कटाना है। एंड कटाना 14th सेंचुरी का है, द कटाना ब्लेड एब्रीट्यूड टू मासाम्यून एंड हिल्ट री रैप्ड इन अर्लियर 19th सेंचुरी। वाओ भाई ऐसे कटाना तो डेविल्स भी यूज करते हैं। एंड गाइस अगर मैं कुछ मिस प्रोनाउंस कर दूं तो सॉरी, मुझे माफ कर देना। एंड डोंट टच द आर्ट, ओके हमें यह मना करिए कि किसी भी आर्ट को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इससे बात करते हैं, ये एक्चुअली एक ऑनर समझो, ये इस स्टोर की ऑनर भी है। सब्जेक्ट इन फ्रेम भाई साहब, इसकी भी फोटो आ गई, कोई बात नहीं, कैसे हम लोग फोटोशॉप से इसे हटा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं भाई, फोटोशॉप आता है हमें। एंड ये गाइस यहाँ पे हमें सब खाली डिमोनिक चीज़ों की फोटो खींचनी है, क्योंकि हम लोग एक उनके ऊपर भी आर्टिकल लिखने वाले हैं, जो जो भी जो यहाँ पे डीमंस है उनके बारे में लिखने वाले हैं। जब पता होगा डीमंस तो हमारे इसमें भी है, माइनक्राफ्ट का जो हमें जो सर्वाइवल सीरीज चल रहा है उसके अंदर भी कई सारे डीमंस है जिनसे हमें लड़ना होगा। एंड माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल सीरीज का एक नया एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो तुम्हारे लोग अभी इंतजार कर लो, बस थोड़ी देर आ जाएगा, वो भी आ जाएगा कल तक, उसका भी एपिसोड आ जाएगा। एंड आज इसी का एपिसोड आ रहा है मंडे को, सो मैं भाई मंडे को भी 6:30 में ये कर रहा हूँ भाई, वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इसके बाद भाई अपलोड ही कर दूंगा जस्ट। तो हमने इसका भी फोटो खींच लिया है भाई, ये भी एक डेविल लग रहा है मेरे को, जो डीमंस लग रहा है भाई, मैं डेविल बार बार बोल दे रहा हूँ भाई, मैंने पूरी स्टोरी खेल लिया, मैंने मतलब टाइम हो गया लंबा खेले हुए बट हाँ मैंने खेल लिया, तुम्हें भी पता होगा उसकी वीडियो है चैनल पे। एंड उस टाइम मैं बहुत लंबे लंबे सीरीज बना रहा था, व्यू भी आ रहे थे अच्छे खासे, मतलब उतना व्यू नहीं आ रहे भाई, तुम लोग क्या करे और कुछ तो मतलब करो भाई। केतली वगैरह यहाँ पे रखी हुई है, देख सकते हो भयानक वाली, मतलब नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे मास्क है जो डीमंस के, एंड यहाँ पे केतली वगैरह रखी हुई है, सब एंटिक्स है, एंशियंट चीज़ें हैं जो डीमंस यूज करते हैं खुद के लिए, सोरोफुल अपनी आई को छुपाने के लिए। सोरोफुल का मतलब क्या होता है मेरे को पता नहीं है, बट अब हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका मतलब है क्या, मतलब तुम लोग गूगल कर लेना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सोरोफुल का मतलब। सो हम लोग चलते हैं गाइस। एंड ओके ये है बॉस बॉस मैन, ओके ये फिश का मतलब ये जो है, सो फिश का ये है मतलब ये जो ऑक्शन हाउस है वो फिश का है, बट यहाँ पे डिमोनिक चीजें भी है, सो हो सके तो डिमन्स इसीलिए यहाँ पे हमला किया, इसने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे नो एंट्री है, तुम बाहर ही खड़े रहो, तुम्हारे यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है भाई, मुंह पे बेइज्जती कर दी, हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं गाइस, हमारी एंट्री अंदर अलाउड नहीं है, ये खुद गई है पर्सनल काम से। सो हमें गाइस इसकी फोटो खींचनी है। एंड ये गाइस एक मेन डीमनिक एक डीमन का स्टैचू है गाइस, एंड हमें देखना जो हम जो गाइस यहाँ पे पेंटिंग में पीछे वाली में है बड़ी वाली पेंटिंग में। सो ये आ चुकी है, एंड इसने बोला कि वेट अ मिनट, हो भाई देख सकते हो यहाँ पे सब जैपनीज चीज है भाई, जैपनीज और चाइनीज। सो ये बोलिए कि तुम्हारा काम हो चुका है, एंड अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे और कोई काम नहीं है। एंड भाई साहब ये हमें, तो भाई हमने बोला कि हमें बस लास्ट थोड़ा सा वॉशरूम यूज करना, तब एम जे बोलिए कि मैं चाहती हूँ, एंड अब उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। सो मैनेजर वहाँ बाहर खड़ी है, एंड हम वॉशरूम यूज करने के बहाने से इधर आया, एंड हम कैसे हम लोग प्लान और प्रेप करेंगे उस रूम के अंदर जाने के लिए जिसमें मैनेजर गई थी। सो ये मैनेजर किसी से बात कर रही है भाई, कितनी बड़ी बड़ी चूड़ी पहन के रखी है, पता नहीं ये क्या है भाई, जज मत करना है मेरे को पता नहीं एक्चुअली। ओके गाइस हम लोग यहाँ पे चुपके से आ चुके हैं, इसे लगा है गाइस हम लोग वॉशरूम चल चुके हैं, इसे बिल्कुल नहीं पता, इसे लग रहा है कि हम लोग मतलब कोई किसी ने हमें यहाँ पे भेजा है इसके इसके लिए।
पीपल आर सस्पिशियस एंड भाई हमने कहा इस पे रेड साइन नहीं आने देना, येलो तक ठीक है बट रेड नहीं आना चाहिए। फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इसने देखा तो नहीं हमें, बिल्कुल नहीं देखा, इसका फोन पे ध्यान है सिर्फ भाई, फोन की वजह से देखो भाई अब इसका पूरा संसार उजड़ जाएगा भाई। इधर इधर मत देख, इधर मत देख, मैं जाने दे मेरे को, इधर आ रही है यार, इसने मैं देख लिया क्या इधर भाई। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो या फिर मैं गोल गोल घूम के चले जाऊँ या फिर एक मैं सीधे चले जाऊँ। तो सीधे वाले में तो ऐसा रिस्क है, मैं गोल गोल घूम के ही जाता हूँ। दीदी उधर मुड़ो ना, थैंक यू, देखो मेरी बात मानती है भाई, कुछ भी बोलो भाई, देख लेगी जल्दी, सटा दे गेट, हो गया भाई गेट बंद। ये एक लाइब्रेरी है क्या भाई? यही है वो डिमोनिक, डिमोनिक डोंट टच द आर्ट। ओके हमें किसी चीज में भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें देखना भाई साहब ये भाई एंटीक चीज है। वेट मिनट, यहाँ पे कई सारी पोस्टर्स हैं जो द विलियम फिश कलेक्शन, मैंने बोला ना कहती एक फिश का ऑक्शन हाउस है एंड देख सकते हो यहाँ पे वही ये कार्ड है आई थिंक एंट्री का, जहाँ पे ये आइकन है, मतलब ये बहुत ज्यादा एक आइकॉनिक चीज है जो दिखाने वाले है ये लोग द विलियम फिश कलेक्शन में। इनके पास ये वाली चीज है, ये एक पोस्ट कार्ड है जो इन्हें बांटेंगे एंड यहाँ पे एंट्री उन्हें मिलेगी एंड हो सके तो कुछ लोग इसे खरीदे भी। एंड यहाँ पे एक और बुक रखी हुई है जिसमें भाई भंगड़ा वगैरह कर रहा है क्या भाई, पता नहीं क्या कर रहा है, बट ये भी उस स्टैचू का ही एक पिक्चर है इस बुक में। एंड यहाँ पे और भी क्या सारी और भी क्या क्या चीजें हैं, सो ये एक स्टैचू ही है एंड भाई फिश और ये बॉस मतलब मैनेजर जो भी है ये, इसके पीछे स्टैचू थोड़ा अलग शेप में है यार, ऐसा कैसे? ये फिश है गाइस, अगर तुम्हें याद होगा तो हमने इसे हराया था, इस मोटे वाले बंदे को हराया था ना, आई थिंक मैंने फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में इसे हराया था, थर्ड में किस में हराया था याद नहीं है मेरे को, तुम्हें पता होगा तो कमेंट करना एंड जो बंदा कमेंट करेगा मैं उसे हॉट दूंगा। वैसे तो मैं सभी को हॉट देता हूँ अगर आपका जेन्युइन और अच्छा कमेंट होता है तो। सो अगर तुम मुझे कुछ सजेशन भी दे रहे हो कि भाई वीडियो इंप्रूव करो तो तुम्हें हॉट मिलेंगे, तो ऐसा सजेशन दिया करो जिससे मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा सुधारूँ। एंड भाई वेट अ मिनट, ये बुक है, इस बुक में और भी तो कुछ लिखा होना चाहिए, बुक पलटता हूँ। ओके नोटेबल फॉर दिस मॉड्यूलर डिजाइन एंड फाइव डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द आर्टिकुलेशन दिस स्टैचू कैन अडॉप्ट मल्टीपल पोजेज। ओके द मोस्ट कॉमन इज दैट द नारियन कोंगा एंड गाइस, अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो। सो माउथ क्लोज एंड लेफ्ट आर्म डाउन एंड राइट पाल्म फेसिंग टुवर्ड, दिस पोज ऑफ द लेटेंट पावर कन्वे द चेंज एंड चॉइस दैट कैन अराइज फ्रॉम ए स्मॉल इवेंट। ओके माउथ इसका क्लोज है बट इसका तो ओपन है माउथ। 15th century जैपनीज, ये जैपनीज चीज है जान लो पहली बात, इसे भी जैपनीज है, जो मैंने बोला जैपनीज या चाइनीज लग रहा है। 45,000 to 60,000 या 6 लाख ऐसे था कुछ, BCE का बात है, बहुत पुराना है। सो गाइस इसके जो हाथ है इसे नीचे करना होगा, इस वाले हाथ को मैं सोच रहा हूँ ऊपर करूँ एंड इसका हाथ खोल के इसका हाथ नीचे एंड इसका यू भाई इसका मुंह, ये भाई एक पत्थर की इतनी कमाल मूर्ति, इसका हाथ खुल गया गाइस, देखा तुमने भाई, एक मूवेबल, एक खास तरीके की और बढ़िया तरीके की एक मूवेबल स्टैचू है ये भाई, ये इतना बड़ा बड़ा चीज है क्या? फोटो में यही था गाइज, इसे होल्ड करके रखा था इस स्टैचू ने। सो वह देखते हैं इसके हाथ में हम लोग गज लगा के कि क्या कुछ बदलता है या फिर सब कुछ सेम रहता है। सो देखते हैं एक बार इसमें लगा के एंड भाई इसका हाथ बंद हो गया भाई, ड्रॉर खुल गया भाई, ये स्पेशल लॉक लगा था इसके अंदर और इसी फाइल के लिए गाइस हम लोग आए थे जो कि हमें मिल चुका है द डेविल ब्रेथ। इसमें नॉर्मन हॉसबॉर्न का इसमें नाम लिखा हुआ है, मतलब कुछ तो गाइस गड़बड़ है नॉर्मन हॉसबॉर्न के साथ। सो देख सकते हो गाइस तभी यहाँ पे डेविल्स ने हमला कर, डीमंस ने हमला कर दिया भाई, मैं डेविल डेविल क्यों बोल रहा हूँ भाई, डीमंस ने हमला कर दिया, डेविल एक्चुअली गाइस माइनक्राफ्ट की वजह से मेरे को याद आ रहा है। सो यहाँ पे डीमंस ने हमला कर दिया है एंड भाई ये मैकेनिकल चीजें क्यों यूज कर रहे हैं भाई, इनके पास तो पावर है ना गाइस, भाई सब ठंड बहुत ज्यादा है। तुम लोग भी गाइस अलग अलग जगह फाइंड द फाइल, ओके ये लोग फाइल को ढूंढ रहे हैं जो हमारी एमजे लेके भागी है एंड हम लोग गाइस यहाँ पे छुपे हुए हैं यार स्टैचू के जो उस रूम में, एक और जो रूम था उसमें हम लोग गाइस छुपे हुए, तो अपना कैमरा और फाइल लेके गाइस हम लोग भागे। सो गाइस हमने अभी स्टोरी देख ली एंड अभी हम लोग जा रहे हैं गाइज की, देख सकते हो हमने एमजे ने स्टोरी बता दी कि 15 मिनट पहले वो यहाँ पे आई थी और क्या क्या हुआ था। एंड सॉरी ये वीडियो मंडे को नहीं आ पा रही है, ट्यूजडे को आ रही है। मैं तुम लोगों को प्रणाम भैया, अचानक कैसे बदल गए? तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आज कर रहा हूँ नेक्स्ट मतलब वॉइस ओवर। सो हमने बोला है कि हम लोग उधर जा रहे हैं देखने क्लियर करने एंड एमजे को हमने जाने के लिए बोल दिया, तो एमजे जा रही है एंड अभी हम लोग देखते हैं एंड एक एक करके साइलेंटली बंदों को मारते हैं।
सो फटाफट चलते हैं, तो चलो। एंड हमने बोला कि हम लोग चल सकते हैं एमजे के साथ, तो बोले कि नहीं मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो एमजे चली जा चुकी है। एंड अब सॉरी गाइस, सो फटाफट चलते हैं। एंड वेट अ मिनट, क्वाइटली हमें इन्हें सबको मारना है, क्योंकि अगर आवाज हो गई तो गाइस तुम्हें मालूम है कि हमारे साथ स्कैम हो सकता है। सो फटाफट चलते हैं। एंड जो हम लोग वी स्कैन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे बंदे, ये सेफ बंदा है तो हम लोग इसको मार सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ पर्ची डाउन करना है, तो चल के पहले पर्ची डाउन करते हैं इसको, एंड तब वैसे ही मारेंगे, अभी सेफ है तो इसको फटाफट पर्ची डाउन कर देते हैं। एंड एक और बंदा है तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी गाइस, अगर वो सेफ हुआ तो हम उसे पर्ची डाउन कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग उसको भी छोड़ देने वाले हैं। सो इधर ये रहा भाई, इसको मैं सोच रहा हूँ गाइस पर्ची डाउन, ये भी सेफ है, इसको फटाफट पर्ची डाउन कर दे रहे हैं। एंड ये रहा, सो ये थोड़ा सा लटका हुआ था ना, तो भाई इसका खोपड़ा फोड़ता मैं इसके अंदर, थोड़ा ज्यादा नजदीक था बट ठीक है कोई बात नहीं। भाई इसको मारना है, इसको कैसे मारूं? ओ भाई मेरे को ये दिख गया ना, अब इस पे मैं मार के आवाज करता हूँ, ओके हो गया आवाज, अभी आएगा इसको गाइस, मैं यहाँ पे पर्च डाउन करने वाला हूँ, अगर मैं कर पाऊँ तो। हाँ तो हो, आ गया पर्च डाउन का ऑप्शन, एंड अभी मैं इसको पर्च डाउन कर देता हूँ। एंड ये ले भैया, ऐसे ही तैसी। एंड अब उसे भी बुलाना है, तो उस वाले इस पे मार के टेबल पे हम उसे बुला रहे हैं। इसको ऐसा लगा कि अंदर से आवाज कैसे आई, और एक बंदा गया था तो आया कि नहीं वापस, सो ये आया, इसे भी यहाँ से उठा के पर्च डाउन कर दे रहे हैं। इधर मतलब कोई बंदा नहीं है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ वी स्कैन करके, वी से स्कैन करके, ओके नहीं इधर कोई बंदा है नहीं, तो लोग आराम से ऐसे जा सकते हैं। भाई यो भाई, भाई मैं डर गया था इसको देख के, मेरे को लगा बंदा है नहीं, फिर भी हम लोगों ने इसे पर्च डाउन किया है। एंड अभी हमें इसके ऊपर जाना है, सॉरी गाइस, सो मैं फटाफट ऊपर चल जाता हूँ एंड इस रोड पे उतर जाता हूँ। सो वे ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, सो फटाफट पहले मैं इस पे उतर जाता हूँ। एंड ये लोग हमें, इससे भाई हमें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं एक बार वेब मारता हूँ उधर। एंड हाँ चलो, अब इसको मैं पर्च डाउन कर देता हूँ वेब मार के, और ये बंदा हुआ पर्च डाउन। एंड गाइस अब मैं सोच रहा हूँ ना इसे कुछ अलग और खास तरीके से मारूं, मतलब ये गेम मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ, तो मैं चल रहा हूँ इसको ऐसे मारते हैं। एंड ओ माय गॉड गाइस आवाज, भाई साहब भाई पेंटिंग की ऐसी की तैसी हो गई, इस वाले पेंटिंग की जिसकी हमने गाइस फोटोग्राफ ली थी। सो अब भाई अब फटाफट अंदर चलते हैं। एंड ओ माय गॉड गाइस, एमजे को पकड़ लिया यार इन्होंने, गाइस एमजे को पकड़ लिया है, हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये फाइल सुन, भाई यार क्या यार एमजे यार एक जगह साइड में छुपा देते, मैं उसे बाद में ले सकते थे, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो तो भाई लेके ही जा रहे थे, वो हम लोग गन छीले भाई फाइल लेके भाग रहे थे, मगर इसे पकड़ना पड़ेगा, बट पहले इन नमूनों को निपटा लेते हैं गाइस। एंड अभी गाइस ओ माय गॉड, हमें मारने की प्लानिंग हो रही है भाई साहब, जितने भी टेबल थे उसे ही उठा उठा के मारते हैं। चीज चला के मारने मेरे को और मजा आता है, तो मैं ढूंढता हूँ कुछ और भी चला के मारने वाला। एंड गाइस ये रहा भाई तगड़ा वाला, इसे गया, ओ भाई हवा में रहने से नहीं होता है क्या भाई साहब, अब से मैं इसे नहीं मारने वाला, जब देख रहा हूँ हवा में दो मार दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, जमीन पे ऐसे रहता है तो फिर जमीन पे चिपक जाता है। देख रहा हूँ तुम्हारा भाई का फाइटिंग स्किल बहुत तगड़ा है, कुछ चला के मारने का मिला था, ये तेरी ऐसी की तैसी। एंड और बंदे, और बंदे का मजा आएगा ना गाइस, ये भाई डिमोनिक पावर लेके आओ ना, किस बात के डिमन हो तुम लोग। सो और ये भाई क्या पावर है भाई, क्या गुंडा बनेगा रे तू, ये गुंडा वंडा नहीं बन सकता गाइस, देखो आराम से डॉज हो जा रहा है, ये क्या मारेगा मेरे को। एंड बहुत से बंदे बोलते हैं भाई प्रणव भाई आप एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर से करते हो, सो देखो गाइस अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप सभी पूछ सकते हो, सो इनबॉक्स में आके, भाई तुम फॉलो नहीं करते हो, सिर्फ इनबॉक्स में मैसेज करते हो यार, प्लीज फॉलो भी कर लिया करो। एंड मेरे अब काफी सारे सब्सक्राइबर बाहर से भी हैं, सो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक इंग्लिश चैनल ओपन कर लूँ, सो देखते हैं, मैं भी सोचता हूँ उसके बारे में, अगर हो जाएगा तो मैं भी एक इंग्लिश चैनल भी ओपन कर लूँगा जिसमें मैं अपने वॉइस को इंग्लिश में, मतलब या फिर इंग्लिश में बोलूँगा। भाई साहब इसके चेहरे पे देखो मास्क निकाल के मैं देखता हूँ, एंड गाइस ये भी एक ओल्ड डिमोनिक मास्क है जो एक एंटीक है, जो डीमंस पहनते हैं अपने सोरोफुल आइज के लिए, एंड सोरोफुल का मतलब मैं सर्च करना भूल गया, बट कोई बात नहीं। एंड पुलिस वुलिस आई है इन सभी को पकड़ के ले जा रही है, मैनेजर आई है गाइस, एंड वो हमसे पूछ रहे कि मैंने बात कर लिया, तुम वो नहीं हो जिसे उसने भेजा था। सो मैरी एमजे कह रही है कि मैं मैरी जेन हूँ एंड मैं रिपोर्टर हूँ, सो ये हम पे गुस्सा करी है, लेकिन हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया एंड इसका इंटरव्यू लेने लगा है। सो ये बता रही है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी, एंड पुलिस वाले भी इन्हें पकड़ के लेके जा रहे हैं, सो ये सब रिकॉर्डिंग हो गई है, एंड अब ये लोग भी जा रहे हैं इधर से। सो यहाँ पे देख सकते हो गाइज,
यार पता नहीं खांसी हो गया मेरे को थोड़ा सा। सो देख सकते हो पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई एंड हमने गाइस मैसेज किया, हे यू ओके सो फाइन बट दे गॉट अवे विद द फाइल, ओके सॉरी आई विल मेक अ डिनर मिक्स। सो गाइस हमने एमजे को डिनर पे इनवाइट किया है, देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। सो क्या रिप्लाई है, श्योर श्यू इन फ्यू, ओ भाई साहब। सो गाइस हमने एमजे को डिनर के लिए इनवाइट किया एंड डिनर पर हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर तुम्हें आज वाली एपिसोड पसंद है तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को ना सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।